joined Mahatma Gandhi University for endless possibilities in programs like pharmacy, medical lab technology, physiotherapy, law and research programs. For admission, call 8800697058. राजनीति के चणक्य कहे जाने वाले एनसीपी नेता शरद पवार ने अपने फैसले से एक बार फिर सबको चौंका दिया है। शरद पवार ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पवार ने यह ऐलान पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर किया। सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब राज्य का प्रभारी भी बनाया गया है। वहीं प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल ने शरद पवार के फैसले के पीछे वजह बताई। उन्होंने कहा कि सुप्रिया और प्रफुल्ल को कार्यकारी अध्यक्ष इस वजह से बनाया गया है जिससे चुनावी काम और राज्यसभा और लोकसभा के काम को बांटा जा सके। भुजबल ने कहा कि उनके कंधों पर और जिम्मेदारियां लादी गई हैं क्योंकि चुनाव पास हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के काम को हैंडल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन इस दौरान सबसे चौंकाने वाला कदम था कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के नाम का जिक्र कहीं नहीं था। एनसीपी प्रमुख ने यह ऐलान पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर किया। जिस वक्त शरद पवार मंच से बेटी और प्रफुल्ल को आगे कर रहे थे तब भतीजे अजीत पवार भी वहीं मौजूद थे। वो अजीत पवार ही हैं जिन्हें शरद पवार के बाद एनसीपी के दूसरे नंबर पर माना जाता है। शरद पवार के इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या उन्होंने अजीत पवार को क्यों साइडलाइन कर दिया? क्या शरद पवार अपना उत्तराधिकारी भतीजे अजीत की जगह बेटी सुप्रिया सुले को बना रहे हैं? सवाल तो कई खड़े हैं लेकिन इसके जवाब शायद ही आने वाले समय में मिल जाएं। देखा जाए तो शरद पवार को ऐसे ही राजनीति का माहिर खिलाड़ी नहीं माना जाता। याद कीजिए, जब बीते महीने एनसीपी नेता शरद पवार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था, उनके इस ऐलान से सबसे बड़ा झटका लगा और शरद पवार को मनाने के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस भी ले लिया था। तब केवल अजीत पवार ही वो नेता थे जो सामने आकर बोले कि इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि चाचा की सेहत और उम्र को देखते हुए उनकी पद छोड़ने की इस इच्छा को सम्मान मिलना चाहिए। वहीं अजीत पवार बीते दिनों पार्टी से बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं। उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही हैं। हालांकि उन्होंने एनसीपी नहीं छोड़ी। इस बार भी शरद पवार को किनारे कर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। शरद पवार के बाद एनसीपी को कौन संभालेगा ये बड़ा सवाल है। अब तक अजीत पवार और सुप्रिया सुले की दावेदारी थी लेकिन हाल ही फैसले से बताया जा रहा है कि अजीत इस रेस से पछाड़ दिए गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।